हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और नया गेम प्ले लेके। और यहाँ पे अभी पोचिंग की में तबाही मचने वाली। वैसे मैं यहाँ पे शॉटगन यूज़ करने वाला हूँ। वैसे मैं चाहता तो नहीं पर्सनली कि मैं शॉटगन यूज़ करूँ, बट सिचुएशन ही कुछ ऐसा होगा। अब आके आप देखो, बगल वाले घर में मेरा पार्टनर गया है और मुझे अभी तक गन नहीं मिला। यहाँ पर वो नॉक हुआ, मुझे एक शॉटगन मिला और अब ये डबल बैरल। मैंने यहाँ पर से सोचा कि एक एंगल बनाऊँ, बट एंगल मुझे मिला नहीं, तो अभी टाइम था रश करने का। मैं यहाँ पे आया और अभी वो डीपी रिलोड कर रहा है। ओ भाई, मेरा लाइफ देखो यहाँ पे। अगर आपको ये शॉटगन किल पसंद आया तो कम से कम एक लाइक देना तो बनता है। और अगर अभी भी आपको ये पसंद नहीं आया तो अभी आगे देखो। मैं यहाँ पर आया और तभी राइट वाले घर से फुटस्टेप। यहाँ पे दो टीम आपस में भिड़ी और अब मेरी बारी। ऊपर बंदा है, बट उससे पहले एक वेस्ट उठा लेते हैं। वो बिल्कुल ऊपर आके बैठा हुआ है। भाई ये ग्लिच, फिर से एक शॉटगन किल। तो यहाँ पे अभी शॉटगन हटाते हैं क्योंकि ये मजबूरी में यूज़ करना पड़ा। अब अपना प्यारा M4। बाहर किसी का आवाज़ आया। ओके, ये बॉट था। मैं यहाँ लूट ही रहा था तभी। मुझे कोई दिख नहीं रहा था, बट बगल से फुटस्टेप आया, तो चलो अभी नॉक किया हुआ को फिनिश कर लिया जाए पहले। मुझे यहाँ पे हल्का सा फुटस्टेप आया, बट किधर से ये मैं समझ नहीं पाया। और तभी पीछे से, अब बारी थी इसको फिनिश करने की। यहाँ पे मैंने सबसे पहले हेल्थ लिया और ये थोड़ा नूब टाइप का बंदा है और ये डायरेक्ट किल। मैं लूट ही रहा था कि यहाँ पे मुझे एक बंदा लेटा हुआ दिखा। थोड़ा सा दूर जाके मैंने ग्रेनेड कुक किया और फिर बच गया। तो अब चलो मुझे ही वहाँ पे रश करना होगा क्योंकि वो तो आने नहीं वाला। यहाँ से शायद कोई एंगल मिल जाए मुझे, बट नहीं मिला। अब मुझे ही ऊपर जाना होगा। वो बैंडेज अप्लाई कर रहा है। ये नॉक हुआ है तो इसका साथी भी ज़रूर होगा। तो जब तक इसका साथी आता है मैं यहाँ पे आराम से स्मोक करके लूट लेता हूँ। अब मैं इसको लूट ही रहा था तभी बगल वाले घर में एक बंदा आया, इसका साथी, और तुरंत पीछे से एक कार। तो मैं यहाँ पे सैंडविच नहीं होना चाहता था। मैं यहाँ आया और सोच रहा था कि वो बाहर कूदे और फिर मैं उसको मारूंगा, बट मैंने नेट चेक किया, नेट तो था नहीं। तो अब मुझे ही रश करना होगा। मैं यहाँ से टीपीपी से देख रहा था कि आगे तो वो कहीं नहीं है। मुझे लगा कि वो उस बॉक्स के पीछे हो सकता है, बट यहाँ पे था नहीं, तो अब रूम में ही होगा। चलो डीपी वर्सेस डीपी और मैं जीत गया। अब बारी थी उस गाड़ी वाले की। मैं यहाँ आया और शायद ये अब ये बंदा था या बॉट, ये आप ही लोग डिसाइड करो। फिलहाल फोकस करते हैं उस गाड़ी वाले बंदे पे, वो वहाँ है।
तो चलो आगे एक बॉट है, पहले इसका किल लेते हैं। वो उसी रेड घर के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे इंतज़ार करने लगा कि कब वो बाहर आएगा, और कुछ ही टाइम के बाद वो बाहर आ भी जाता है। सो अब ये वो जगह है जहाँ पर कि पोचिंग खाली हो चुका है। तो मैं एक ड्रॉप के पीछे यहाँ पे आया और तभी मुझे पीछे से एक गाड़ी आते हुए दिखा, तो मैंने यहाँ पे हल्का सा कवर बना के गाड़ी रोका, बट मैं रॉन्ग साइड उतरा तो मैं दौड़ के तुरंत पत्थर के पीछे आया। ये स्प्रे खतरनाक था, इससे मैं मर भी सकता था, बट मैं यहाँ पे स्पॉट करने का कोशिश कर रहा था कि स्प्रे आया किधर से। हालांकि ये आईपैड है बट फिर भी एनिमी काफ़ी छोटा दिखता है, दूर वाला तो देखने में और भी परेशानी होता है। भाई उन लोगों की तरफ से तगड़ा वाला स्प्रे आ रहा है, तो अब मैंने डिसाइड किया अब मैं पीक नहीं दूंगा, पहले यहाँ से मैं कवर बनाकर बगल में एक ग्राउंड है वहाँ तक जाऊँगा। एक बंदा फ्लैंक कर रहा था तो मैंने उसका व्यू काटने के लिए और अपने गाड़ी को भी सेव करने के लिए पहले एक स्मोक किया, और फिर उसका एक बंदा जब इधर आ रहा था तो उसका भी व्यू मैंने काटा इस स्मोक से। तो अभी टाइम है कि मैं थोड़ा सेफ जगह चला जाऊं। वो बंदा सामने आ रहा है, आगे वो अभी बर्फ वाला वो बनाएगा स्टैचू। अभी मेरे चारों तरफ बंदे आ चुके हैं और वो जो कि मुझ पे फायर किया था वो आगे आप बर्फ वाला स्टैचू देख रहे होंगे वहाँ पे है। यहाँ पे एक बंदा मुझे देखा गिली सूट में, और मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा कि कब वो इधर आए, बट वहाँ पे काफ़ी देर से कोई हलचल नहीं हो रहा, तो मैं सोच रहा था कि एक बार वहाँ जाऊँ बट मैं थोड़ा घूम के गाड़ी लेके जाऊंगा, क्योंकि वो लोग तो रश कर नहीं रहे थे तो अब मुझे ही करना होगा। अभी तक कोई भी मुझ पे फायर नहीं आया उधर से, तो हो सकता है या तो वो लोग मर गए या फिर पीछे से ही भाग गए। मैं यहाँ पे गाड़ी घुमा रहा था तो यहाँ पे कोई मुझे मिला ही नहीं, बस उनका एक बग्घी यहाँ पे था और कोई दिखा ही नहीं। और भाई AWM का बात सुन रहे हो ना, तो मैं तुरंत एक दो चक्कर काट के इस घर में आ गया। और ये बग्घी देख रहे हो, मैंने इस पे फायर नहीं किया क्योंकि मैं अपना फुल लोकेशन एक्सपोज नहीं करना चाहता था, और तभी आगे से कोई आया। और अब देखना ये हेडशॉट AKM से, वो नेड कर रहा है मुझ पे, मैं इधर आया और नेट फूटा। तो कैसा लगा ये हेडशॉट AKM से? मैंने आराम से यहाँ पे स्मोक करा और ग्रोजा और AWM उठा लिया। सामने एक बंदा है बट उसको पता नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। चलो अब लास्ट बंदा बचा हुआ है, उसको किल करते हैं और चिकन डिनर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको एक बंदा दिखा, फुटस्टेप आया, मैंने उसको देखा नहीं है बट फुटस्टेप आया तो वो लेटा हुआ है। तो मैं आराम से यहाँ आता हूँ और गाड़ी को रोकता हूँ, और देखो ये ग्लिच के वजह से मेरे साथ क्या होता है। यार ये हेड था। अब मैं यहाँ पे हार्ड स्कोप करके रहता हूँ बट मैंने जोन को नहीं देखा था, और मेरी तरफ अभी जोन आ जाता है। सो जोन बहुत छोटा है और ये गंदा वाला काट रहा है, मैं तुरंत भागता हूँ और मैं ध्यान ही नहीं देता कि वो आगे है, और फिर उसकी देखो क्या हुआ। खैर ये गलती मेरी ही थी, मेरी ही वजह से चिकन नहीं हो पाया। सो मैं कल की वीडियो में ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एक चिकन दे पाऊँ, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंटरटेनिंग लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल।